हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामान और आप सबको स्वागत है एग्जाम अपेक्स चैनल में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वीकली करंट अफेयर्स को भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग फरवरी महीने का जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स डे बाई डे करने से डे बाई डे PDF बहुत सारे PDF हो जाता है, इसलिए अगर हम एक वीडियो में एक ही बार में सब कुछ करें तो एक ही PDF में सब आ जाते हैं। तो ये मंथली करंट अफेयर्स का बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट भी रहता है कि मंथली करंट अफेयर्स का एक PDF भी बना दीजिए, एक वीडियो भी बना दीजिए। तो ये पूरा फरवरी महीने का यहाँ कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योनो। योनो का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया था? योनो का ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना वर्मा को अपॉइंट किया गया था। व्हाट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2019? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2019 ईयर ऑफ द वर्ड किसे ये किया गया है? नोमोफोबिया को। विच कंट्री होस्ट एथलेटिक कैंपेन 2019? कौन सा कंट्री एथलेटिक कैंपेन 2019 का होस्ट कर रहा है? वो कौन सा कंट्री कर रहा है? दोहा। Which of the following year declared International Year of the Millets? Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization ने किस साल को International Millet of the Year घोषित किया है? 2023 को। Which state launched कृषक बंधु स्कीम? किस स्टेट ने कृषक बंधु स्कीम लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। और कैपिटल कोलकाता। UAE President Khalifa bin Zayed Al Nahyan declared the year of tolerance. पहली बात तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, UAE का प्रेसिडेंट कौन है? UAE का प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और उन्होंने किस साल को ईयर ऑफ टॉलरेंस घोषित किया है? 2019 को। वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII, FTII का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किए गए हैं? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अनुपम खेर, उनके रिजाइन करने के बाद BP सिंह को अपॉइंट किए गए हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू लिफ्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल टाइटल? कौन सा फर्स्ट इंडियन टू लिफ्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल टूर टाइटल किसने ये पाया है? PB सिंधु ने। विच कंट्री ओन द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप? किस देश ने मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं? बेल्जियम ने जीत लिए हैं। हु आर ओन भारत रत्न? भारत रत्न किसने किसने जीते हैं? प्रणब मुखर्जी ने, भूपेन हजारिया ने एंड नानाजी देशमुख ने। क्वेश्चन में कहीं एक भी ऑप्शन दिया हो सकता है, इस साल तीन लोगों को दिए गए थे भारत रत्न, ऑप्शन में तीनों में से कहीं एक हो सकता है या फिर और करके तीनों भी हो सकते हैं, इसलिए तीनों को आप लोग याद रखिएगा। हु आर ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें किसने जीता था? मेंस का जीते थे नोवाक जोकोविच ने एंड वुमेन्स के नोआमी ओसाका ने जीता है वुमेन। मैंने दोनों क्वेश्चन अलग से फॉर्मेट नहीं किए हैं। हु आर ओन द इंडोनेशिया मास्टर टाइटल्स? इंडोनेशिया मास्टर टाइटल्स किसने जीते हैं? मेंस की बात करें तो एंडर्स एंटोनसन ने एंड वुमेन्स की बात करें तो सानिया नेहवांस ने। हु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द युवा स्वाभिमान योजना? किस स्टेट ने युवा स्वाभिमान योजना को स्कीम लॉन्च किया है? योजना मध्य प्रदेश ने यह किया है।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किए गए हैं? वीके यादव को रेलवे चेयरमैन का न्यू रेलवे बोर्ड का न्यू चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन। थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में हुआ है वो। किसे पाकिस्तान की पहली हिंदू जज अपॉइंट किए गए हैं? सुमन कुमारी को पाकिस्तान की पहली हिंदू जज अपॉइंट किए गए हैं। द स्मार्ट विलेज कैंपेन लॉन्च इन व्हिच स्टेट? स्मार्ट विलेज कैंपेन किस स्टेट में शुरू हुआ है? पंजाब में शुरू हुआ है। जीएसटी ऑन हज वॉज रिड्यूस टू व्हाट परसेंट टू वर्ड्स? हज में जाने वाले पिलग्रिम्स के उनके जीएसटी को घटा के कम कर दिए गए हैं। कितने से कितने परसेंट कर दिए गए थे? पहले 18% था, अब वो 5% कर दिए गए हैं। वॉज अपॉइंटेड एज द जापान्स न्यू सिक्योरिटी एडवाइजर। जापान के न्यू सिक्योरिटी एडवाइजर किसे अपॉइंट किए गए हैं? सुतारी युधी को जापान के न्यू सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। वॉज अपॉइंटेड नेवी डिप्टी चीफ। नेवी का डिप्टी चीफ किसे अपॉइंट किए हैं? एमएस पावर को। और नेवी का अगर पूछा जाए वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ है अजीत कुमार। और नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ है सुनील लांबा साहब। एम्स वॉज सेटअप इन व्हिच स्टेट? हाल ही में जो बजट आया था उस बजट में अनाउंस किया गया थे कि हरियाणा में 22 एम्स स्टैब्लिश होंगे। तो ये स्टेट याद रखना है कि कहाँ पे होने वाला है और ये कितने वा है। ये 22 है। ये व्हिच सिटी इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर वॉज टू बी हेल्ड? कहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अभी इंडिया का फीफा का रैंक क्या है फुटबॉल टीम का? 103 है। थोड़ी दिन पहले थोड़ा इंक्रीज किया था, अब फिर से डिक्रीज कर गए हैं। व्हाट इज द इंडियन रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक क्या है? 36 इंडिया का रैंक है। पीएम मोदी वॉज इनॉग्रेटेड एशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेस मीटिंग हेल्ड इन। कहाँ पे ये मीटिंग हुआ है? बेंगलुरु में ये मीटिंग हुआ है। 9th सीनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन। कहाँ पे 9th सीनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुआ है? हरियाणा में हुआ है। विच कंट्री ओन द एएफसी एशियन कप फर्स्ट टाइम? किस देश ने एएफसी एशियन कप फर्स्ट टाइम के लिए जीते हैं? कतर ने इसको जीते हैं फर्स्ट टाइम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिराग्राम ज्योति योजना? इंदिराग्राम ज्योति योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है स्कीम? मध्य प्रदेश ने। न्यू इंडिया यूथ कॉन्फ्लिक्ट वॉज हेल्ड इन। कहाँ पे न्यू इंडिया यूथ कॉन्फ्लिक्ट हुए है? सूरत में हुआ है। और सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है सूरत शहर। इन व्हिच स्टेट सुरेश प्रभु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन? कहाँ पे किए गए हैं? गोवा में किए गए हैं। और गोवा की कैपिटल है हमारा पणजी। व्हिच स्टेट अनाउंस ए एशियाटिक लाइन कॉन्फ्रेंसन प्रोजेक्ट? कौन सा स्टेट एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है? गुजरात ने किया है। कैपिटल गांधीनगर है। हु वाज इनॉग्रेटेड ए पासपोर्ट सर्विस सेंटर एट कोटपोटली? किसने कोटपोटली में एक पासपोर्ट सर्विस इंडेक्स इनॉग्रेट किए हैं? राजवर्धन राठौर साहब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी? किसे यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं? राधेश्याम जुलामिया को अपॉइंट किए गए हैं। वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर इंडिया टू भूटान? भूटान में इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किए गए हैं? रुचिरा कंबोजियो को। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? इनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है।
अब्दुल फताह। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स का और अपॉइंटमेंट का 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाला है। चले हम आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिन ओन नाइन्थ नेशनल सॉकर टाइटल, किसने नाइन्थ नेशनल सॉकर टाइटल जीते हैं? पंकज अडवाणी ने इसको जीत लिए हैं। विच कंट्री एडेड हिंदी एज द थर्ड लैंग्वेज इन कोर्ट, किस कंट्री ने हिंदी को थर्ड लैंग्वेज एज ए कोर्ट में माना है? अबू धाबी ने माना है। विच कंट्री डिक्लेयर शुगर केन एज ए नेशनल ड्रिंक, किस कंट्री ने शुगर केन को अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया है? पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की पीएम की बात करें तो इरफान खान वहाँ की पीएम है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आरिफ आलवी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप स्टार्टेड इन सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे स्टार्टेड हुआ है? गुवाहाटी में स्टार्टेड हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन हेल्थ इन, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनानी मेडिसिन के ऊपर कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है ये। हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का प्रिंसिपल एडवाइजर किसे अपॉइंट किए गए हैं? रीमा मित्रा को। वेस्ट बंगाल की अगर गवर्नर की बात करें तो कृपलानी नाथ त्रिपाठी है, केशरी नाथ त्रिपाठी है, और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी है। कैपिटल की बात करें तो कोलकाता कैपिटल है। कोलकाता किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे पड़ता है? हुगली नदी के किनारे कैलकाता पड़ता है। हाल ही में कैलकाता में एक 3D फुल टाइम डोम 3D थिएटर भी खोला है साइंस सिटी में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन को फाउंडर एंड सी ऑफ यूनिकॉर्न, किसी यूनिकॉर्न का पहला महिला, पहला भारतीय महिला को सीईओ बनाया गया है? अंकिता बोस को। बी जयप्रदा जयश्री देवी वॉज पास्ट अवे रिसेंटली, जयश्री देवी का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे? वो एक फिल्म मेकर थे। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायुशक्ति 2019 हेल्थ इन, कहाँ पे इंडियन एक्सरसाइज वायुशक्ति 2019 हुआ है? राजस्थान में ये हुआ है। वर्ल्ड रेडियो डे वर्स ऑब्जर्व इन, किस दिन को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है? 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड इंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर, इंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड 2018, 2018 का इंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? सिद्धार्थ लाल को दिए गए हैं। और ये सिद्धार्थ लाल कौन है? यानी MD एंड CEO है एचर्स मोटर्स का, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट मेगा एक्वा फूड पार्क स्टैब्लिश इन हुई स्टेट, किस स्टेट में फर्स्ट मेगा एक्वा फूड पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में ये किए गए हैं। हु हैज ओन नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप टाइटल, किसने नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप को जीते हैं टाइटल को? प्रीटिलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने इसको जीत लिया है। वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ एयरफोर्स, किसे एयरफोर्स का चेयरमैन एंड डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? अश्वानी लोहानी को यह अपॉइंट किए गए हैं। लॉ एशियन ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, कहाँ पे लॉ एशियन ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हुई स्टेट अनाउंस गोमुत विल सून बी नोटिफाइड एज द हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, किस शहर में एक गोमुट करके एक चीज़ है, मटके जैसा है वो, उसे अपना हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट घोषित किया है अपने स्टेट का, वो गोवा ने किया है। विष्णु भक्त वॉज पास अवे ही वॉज ए, विष्णु भक्त का रिसेंटली निधन हो गया है, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध राइटर थे। व्हाट इज द इंडियन फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन, इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका ही पहला नाम था, ट्रेन 18 नाम था इसका। अगर पूछा जाए किसने इनोग्रेट किए थे तो हमारा PM नरेंद्र मोदी ने इसको किया थे। कब
कहाँ से कहाँ तक चला था ये? पहली टाइम दिल्ली टू वाराणसी ये चला था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? किसे न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं? सुशील चंद्रा को अपॉइंट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। विच कंट्री ओन द हीरो वुमेन गोल्ड कप? किस शहर ने हीरो वुमेन गोल्ड कप को जीते हैं? किस देश ने जीते हैं इसको? म्यांमार ने जीते हैं। अगर पूछा जाए किसको हरा के जीते हैं तो ये नेपाल को हरा के ये जीत लिए हैं ये। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल अथॉरिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए? यूएसए का अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? विलियम बार उनका नाम है। इंडिया रिवोक पाकिस्तान मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस। इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस को विड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पूछा गया है वो मोस्ट फेवर नेशन शुरू किस साल हुआ था? मोस्ट फेवर नेशन शुरू हुआ था 1996 में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन किसे अपॉइंट किए गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अपॉइंट किए गए हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 हेल्ड इन, कहाँ पे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 का हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है ये। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कौन है? अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है मोरिशियो मैक्री। और अर्जेंटीना की बात करें तो कैपिटल क्या है? ब्रूनो एरिस यहाँ की कैपिटल है। थोड़ी दिन पहले ही यहाँ पे एक इंडिया की ओर से एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिनेश भाटिया साहब। हु हैज बीन ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ कतार ओपन? कतार ओपन का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? इलिस मार्टिन ने जीते हैं इसको। अगर पूछा जाए कि किसके हरा को जीता है, सिमोना हलिफ को हरा के ये जीत लिए हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर? फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हिना जायसवाल ने जायसवाल बनी है। हु वाज ओन द ईरानी कप टाइटल? ईरानी कप कहें या फिर रणजी ट्रॉफी कहें, दोनों एक ही ने जीते हैं, विदर्भा ने दोनों को ही जीता है। तो ये याद रखिएगा, ईरानी कप ईरानी एंड रेंजी दोनों को ही विदर्भा ने जीता है। हु वाज ओन द 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल? किसने 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हैं? मेंस कैटेगरी में जीते हैं सौरभ वर्मा, एंड वुमेन्स के जीते हैं सानिया नेहवाल्स ने। विच कंट्री होस्ट द नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट? किस शहर नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली करेगा उसको। इंटरनेशनल पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे इंटरनेशनल पैसिफिक ट्रैवल कॉन्फ्रेंस हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन द स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019, 2019 का स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड किस म्यूनिसिपल ने जीते हैं? छत्तीसगढ़ का रायगढ़ म्यूनिसिपल ने इसको जीत लिए हैं। विच वेस्ट इंडीज प्लेयर अनाउंस रिटायर फ्रॉम ओडीआई आफ्टर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019? किस वेस्ट इंडीज प्लेयर ने आईसीसी वर्ल्ड कप से ओडीआई के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित किया है? क्रिश गेल ने किया है। इस साल 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? वो इंग्लैंड एंड वेल्स में वो होने वाला है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेल्सन मंडेला स्कूल फॉर पब्लिक गवर्नेंस? किसे ये अपॉइंट किए गए हैं? एक इंडियन को अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फैजल स्माइल को। चेन्नई वॉज लॉन्च ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोबोट? चेन्नई ने पहले बात तो किस शहर ने इसको
पूछा जा सकता है कि शहर ने एक ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो चेन्नई ने किया है, और अगर उसका नाम पूछा जाए तो उनका नाम है बंदी कोट, बंदी कोट उसका नाम है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट वॉज फॉर्मेड ए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, किस स्टेट ने एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का स्थापना किया है? ये गुजरात ने किया है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। विजय रूपानी वहाँ के सीएम है, ओपी कोहली वहाँ की गवर्नर है। 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे 40th एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल हुआ है? राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर में ये हुआ है। वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ पुमा, पुमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? मेरी कॉम को बनाए गए हैं। फर्स्ट इंडियन फुलडम 3D थिएटर वॉज इनोग्रेटेड इन, कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट फुलडम 3D थिएटर इनोग्रेट किया गया है? कोलकाता में किए गए हैं, कोलकाता के साइंस सिटी में ये किया गया है। व्हाट हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? ये हमारा AK शर्मा को किए गए हैं। वॉज अपॉइंटेड हरियाणा न्यू DGP, हरियाणा का न्यू DGP किसे अपॉइंट किए गए हैं? मनोज यादव को अपॉइंट किए गए हैं। 9th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2019 ओन बाई, किसने 9th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीते हैं? रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने इसको जीत लिए हैं। हु वॉज इनोग्रेटेड 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2019 एट येलाहन का एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु, येलाहन का एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किसने एरो इंडिया 2019 का 12th एडिशन इनोग्रेशन किया है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये किया है। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 वाज गोज टू, ये किसको मिला है? सिमोनी बिली को ये मिला है। इसी दौरान वहाँ पे एक इंडियन एनजीओ को एक अवार्ड मिला है, उस एनजीओ का नाम क्या है? उस एनजीओ का नाम है युवा, और वो एनजीओ कहाँ का है? वो झारखंड का एनजीओ है। इंडिया एशियन एक्सपो समिट विल बी हेल्ड इन, कहाँ पे 44th इंडिया एशियन एक्सपो समिट हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ है? ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। व्हाट इज द थीम ऑफ 3rd एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड इन द गार्डन फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है, और इसका थीम क्या था? बापू की दिल्ली। वॉज अपॉइंटेड एज द BCCI ओम्बुजमैन, किसे BCCI का ओम्बुजमैन अपॉइंट किए गए हैं? टीके जैन को ये अपॉइंट किए गए हैं। किसे प्रेस्टिजियस सोल पीस प्राइज मिला है? नरेंद्र मोदी साहब को हमारा प्रेस्टिजियस सोल पीस प्राइज मिले हैं। व्हिच कंट्री स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गांधी स्कॉलरशिप फॉर स्टडी इन इंडिया, किस देश के छात्र को गांधी स्कॉलरशिप दिए गए हैं इंडिया में स्टडी करने के लिए? श्रीलंका के स्टूडेंट्स को ये दिए गए हैं। हु वॉज इनोग्रेटेड एन ऑल इंडिया रेडियो FM स्टेशन इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किसने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं? सर यहाँ पे मैंने आंसर ही बोल दिया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये किए गए हैं, और इसका अगर पूछा जाए तो किसने किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम है इन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर की बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नर है ESL सीतारामन। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन आता है? 21st फरवरी को आता है, और इस साल का थीम क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज इस साल का थीम था। ISSF वर्ल्ड कप 2019 वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे ISSF 2019 वर्ल्ड कप हो रहा है? दिल्ली में हुआ रहा है, और ISSF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है, और फाउंडेशन ईयर है 1907।
इन व्हिच सिटी फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन स्टार्टेड, कहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हो रहा है? नेपाल की काठमांडू में हुआ हो रहा है ये। हु वाज ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वुमेन 10 मीटर एयर पिस्तौल एयर राइफल इवेंट, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में किसने, ये ISSF में होगा, थोड़ी देर पहले हम जो बात किए ISSF टूर्नामेंट में किसने, पहली महिला किसने बनी है जो 10 मीटर एयर पिस्तौल में गोल्ड मेडल जीते हैं? अपूर्वी चंद्रा ने जीते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किए गए हैं? मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। हु वॉज अपॉइंटेड सीईओ ऑफ पेयू इंडिया, पेयू इंडिया का सीईओ किसे अपॉइंट किए गए हैं? अनिर्बान मुखर्जी को। विच कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर ए इमरजेंसी, किस कंट्री ने अपना नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया है? ए सूडान ने किया है। सूडान की अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात करें तो उमर वहां की प्रेसिडेंट है और कैपिटल खर्तुम है और करेंसी वहां पे पाउंड चलती है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाउंडेशन बोर्ड फॉर बेटर बॉक्सिंग, फाउंडेशन बोर्ड फॉर बेटर बॉक्सिंग के लिए किसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? अजय सिंह को इलेक्ट किए गए हैं। वॉज ऑन द कैलेंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, किसने कैलन इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीते हैं? अभिजीत गुप्ता ने इसको जीत लिए हैं। वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? ब्रिजभूषण शरण साहब को। हु वॉज इनॉग्रेटेड नेशनल वॉर मेमोरियल एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में किसने नेशनल वॉर मेमोरियल स्थापित किया है? हमारा प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब ने ये किया है। हु वॉज ऑन द हाई जंप मेंस टाइटल इन टेक्सास, टेक्सास में हुए गए हाई जंप टूर्नामेंट में किसने ये टाइटल जीत लिए हैं? तेजस्वामी शंकर इसको जीत लिए हैं। हु वॉज ऑन द गोल्ड मेडल मेंस 67 केजी कैटेगरी इन द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एट विशाखापत्तनम, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? ये विशाखापत्तनम में हुआ है और इसको किसने जीता है? गुलाम नबी ने इसको जीत लिए हैं। हु वॉज ऑन द IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन इन न्यू दिल्ली, पहली बात तो ये मैराथन कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है और इसको किसने जीते हैं? मेंस कैटेगरी में इसको राजपाल सिंह ने जीते हैं और वुमेन्स कैटेगरी में इसको ज्योति गौती ने इसको जीत लिए हैं। हु वॉज होनरेड द प्लेयर ऑफ द ईयर अबाउट 2018 फॉर हॉकी, हॉकी में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अबाउट 2018 का खिताब दिए गए हैं? लर्मिन शिमानी को ये दिए गए हैं। हु वॉज द बेस्ट एक्टर 91st एकेडमी अवार्ड 2019 में जो 91st एकेडमी अवार्ड हुआ है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिए गए हैं? ये रेमी मलेक को ये दिए गए हैं। व्हिच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म 91st एकेडमी अवार्ड, किस इंडियन डॉक्यूमेंट्री ने 91st एकेडमी अवार्ड को जीते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक इंडिया के फिल्म ने ये जीते हैं। प्रियट एंड ऑफ सेंटेंस करके नाम है उनका और मैंने अलग से एक ऑस्कर विनिंग यानी एकेडमी अवार्ड के अलग से एक वीडियो बना दिया है, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे डिस्कस किए हैं वहाँ पे। हु वॉज लॉन्च द रेल दृष्टि बोर्ड इन न्यू दिल्ली, रेल दृष्टि बोर्ड न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल साहब ने ये किया है। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किए गए हैं? मोहम्मद बुहारी को। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के नेक्स्ट हाई कमिश्नर किसे
अपॉइंट किए गए हैं राजीव कुमार को, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के एम्बेसडर किसे अपॉइंट किए गए हैं? विजय सिंह को। हु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रणम कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अपने पेरेंट्स को बूढ़े वक्त में अगर बच्चे छोड़ ना दे, इसलिए ये प्रणम कमीशन बैठाया गया है। और इसे किस स्टेट ने किया है? आसाम ने इसको किया है। हु वॉज लॉन्च खेलो इंडिया मोबाइल ऐप। खेलो इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी साहब ने इसको किया है। खेलो इंडिया की फर्स्ट एडिशन की बात करें तो कुछ दिन पहले इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था और सेकेंड एडिशन पुणे में हुआ था। संप्रीति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। संप्रीति किन दो देश का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया एंड बांग्लादेश की है। और संप्रीति 2019 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तंगील में हुआ था। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज तंगील में हुआ था बांग्लादेश का। हुई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए वेब पोर्टल बांग्लार शिक्षा। बांग्लार शिक्षा करके एक वेब पोर्टल किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? ये वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया है। वॉज अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ गोवा। गोवा का डीजीपी किसे अपॉइंट किए गए हैं? प्रणब नंदा को ये अपॉइंट किए गए हैं। तो यही सारे पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर्स है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।